हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल कुमार। आज देखेंगे जूलॉजी ऑनर्स पेपर 3 का वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें हम सबसे पहले बात बता दें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि हमेशा 100 में 3, 4, 5 क्वेश्चन गलत ही रहते हैं केस पेपर में। तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, जो भी गलत होगा उसका उस क्वेश्चन का आंसर हम वहाँ पर लिख देंगे। और इसमें जो क्वेश्चन आपको लगे भारी है तो उसको आप कॉपी में नोट्स करके उसको ही आराम से याद करें। तो देखिए यहाँ पर है कि चूज द करेक्ट आंसर, ये सब क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर चुनना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि एक्सक्रेटरी ऑर्गेन ऑफ एम्फियोक्सस आर, एम्फियोक्सस का एक्सक्रेटरी ऑर्गेन क्या है। तो यहाँ पर नेफ्रिडिया होता है एम्फियोक्सस का एक्सक्रेटरी ऑर्गेन। फिर उसके बाद है ट्यूनिक इज फाउंड इन, तो ट्यूनिक किस में पाया जाता है, ये सल्पा में होता है, मतलब एक लेयर होता है वही ये सल्पा फिश में पाया जाता है। और विच वन इज अ ट्रू फिश, ट्रू फिश कौन है, तो सिल्वर फिश को हम ट्रू फिश कहते हैं, सिल्वर फिश को ट्रू फिश कहते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है। हॉर्न्ड टोड, मतलब हॉर्न टोड बिलोंग्स टू, तो ये एम्फीबिया में था, टोड कोई भी हो ये एम्फीबिया में ही आता है। स्क्रॉल वैल्यू इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ, स्क्रॉल वाल्व किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्कोलिडॉन में, मतलब जिसको हम डॉग फिश भी कहते हैं। तो ए हो जाएगा स्क्रॉल वाल्व, मतलब गोला गोला तरह का वाल्व पाया जाता है। द टाइप ऑफ स्कॉल फाउंड इन स्फिनिडॉन इज, तो स्फिनिडॉन में जो स्कॉल पाया जाता है किस तरीके के होते हैं, तो इसमें डायऑप्सिड होते हैं। तो ये सब आप उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्टिव आप पढ़ लिए होंगे, तो ये सब पढ़ने में बहुत ही आसान लगेगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल विद हॉर्नी स्केल्स एंड ड्राई स्किन्स आर, तो ये रेप्टिलिया में पाया जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और हॉर्नी स्केल्स, तो ये रेप्टिलिया में हमें देखने को मिलते हुए कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जैसे ये मतलब अगर ये दोनों मेंटेन नहीं करते, वो सब एक्सप्लेन तो आप समझ ही चुके होंगे। वेनम ऑफ कोबरा इज, तो वेनम जानते हैं कि वे न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, सीधा अगर अगर किसी को कोबरा वे काट ले तो उसका जहर होता है, तो वह हमारे दिमाग पर बहुत ही ख़राब असर करता है। तो वही वेनम ऑफ कोबरा इज हो गया न्यूरोटॉक्सिक। राइट आयोर्टिक आर्क परसिस्ट इन, तो राइट आयोर्टिक आर्क जो होते हैं वे होते हैं बर्ड में। फिर है द लिजार्ड विथ ग्लाइडिंग एडेप्टेशन इज, तो ये गेको यहाँ पर कहते हैं, ग्लाइडिंग एडेप्टेशन को ही हम गेको कहते हैं। सिरिंग्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन ऑफ क्लास, तो ये बात हम जानते हैं कि एप्स में सिरिंग्स होता है जो नाक की तरह काम करता है और इसी के द्वारा शायद आवाज़ भी निकालता है। गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर आर अब्सेंट इन, तो ये पिजन में अब्सेंट होता है, उसमें ना गॉल ब्लैडर पाया जाता है ना यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। जब आप इसका मतलब कॉलेज जाते होंगे तो ये देखे ही होंगे। फिर है कि एक्सिस वर्टिब्रा आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका एनापोफाइसिस जिसको कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्सिस वर्टिब्रा आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एनापोफाइसिस। पैरोटिड ग्लैंड्स डिस्चार्ज इट्स सिक्रीशन दाउ, तो ये किसके द्वारा, तो ये डक्ट्स ऑफ राइबिनस जिसको कहते हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड्स डिस्चार्ज इट सिक्रीशन थ्रू, ये डक्ट्स ऑफ राइबिनस, ये पैरोटिड ग्लैंड डिस्चार्ज होता है। तो इस तरीके से 6 पेज पढ़ना है, तो 1 पेज कंप्लीटेड हो गया। और उसके बाद है कि इंडोस्टाइल चेंजेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो किसके डेवलपमेंट में जो इंडोस्टाइल्स होते हैं थायरॉयड ग्लैंड में हो जाते हैं परिवर्तन, तो ये पेट्रोमाइजोन फिश में। और व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन, तो ये पाया जाता है एम्फियोक्सस में, ये आप देखे होंगे। इसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें ये मिलेगा ये एम्फियोक्सस में व्हील ऑर्गन पाया जाता है। फिर है कि ब्रांकियल बैनेट इज फाउंड इन, तो ये पाया जाता है पेट्रोमाइजोन में, ब्रांकियल बैनेट ये पाया जाता है पेट्रोमाइजोन में। फिर है कि एमोसाइट्स लार्वा इज फाउंड इन, जो अमीबा जैसा दिखाई देता है लार्वा, उसी को हम यहाँ पर कहते हैं एमोसिट लार्वा फाउंड इन, तो ये पाया जाता है लैम्प्रे में,
लैम्प्रे में पाया जाता है। टेललेस एम्फीबियंस बिलोंग टू, तो ये ऑरोरा में पाया जाता है। टेललेस एम्फीबियन बिलोंग टू ऑरोरा में। मिडवाइप्टोड इज, तो मिडवाइप्टोड को हम एलाइटस भी कहते हैं, एलाइटस का ही दूसरा नाम है मिडवाइप्टोड। फिर है कि विच इज फंक्शनल इन बर्ड, बर्ड में इसमें से कौन सा फंक्शनल होता है, तो लेफ्ट ओवरी है जो फंक्शनल होता है, बाद बाकी राइट ओवरी वे सीधे होते हैं। उसके बाद है सिंसैक्रम इज फाउंड इन, तो इस तरीके के जो सिंसैक्रम जो जुड़ा हुआ हड्डी जिसको कहते हैं, तो ये बर्ड में हमें मिलता है। सिंसैक्रम इज फाउंड इन बर्ड्स में, तो ये और लगेगा कि याद करने वाला, तो उसको आप आराम से कॉपी में नोट्स कीजिए। मैमेलियन हार्ट इज, मैमेलियन का हार्ट क्या होता है, जैसा कि हम लोग का हार्ट है, तो ये मायोजेनिक है, खुद वे वर्क करते रहता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, ये हार्ट मेनिया का रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नाम कहने का मतलब, कहने से याद रहता है हमें हार्ट मेनिया। नेसल ओपनिंग इन पेट्रोमाइजोन होता है, तो वह सिंगल होता है, जो नाक का ओपनिंग होता है पेट्रोमाइजोन में वह सिंगल होता है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी इज फाउंड इन, तो ये डॉग फिश में पाया जाता है जिसको स्कोलिडॉन कहते हैं, तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी इज फाउंड इन, तो ये डॉग फिश में होता है। फिर है कि ओपेर मतलब ओपेर नुलुम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो सी में होता है ये, बोनी फिश में। फिर है जैकॉबसन्स ऑर्गेन इज फाउंड इन, जो कि जैकब साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था, तो ए यानी कि लिजार्ड में यह पाया जाता है जैकॉबसन्स ऑर्गेन। तो इसका क्या फंक्शन होता है, तो लिजार्ड क्या आप पढ़े होंगे करेक्टर, तो वो आप समझ गए होंगे। विच इज नोट ऑफ मैमल्स, मैमल्स इसमें कौन नहीं है, तो क्रोकोडाइल जो कि रेप्टाइल्स है, तो मैमल्स ये नहीं है, बाद बाकी व्हेल डॉल्फिन साइरेनिया ये सब मैमल है, लेकिन क्रोकोडाइल रेप्टाइल है। ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ऑन द टेल ऑफ बर्ड इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको सेबासियस ग्लैंड कहते हैं। तो सेबासियस ग्लैंड समझ गया कि बर्ड में जो टेल के, इसीलिए अगर टेल अगर अगर जो तार पर बैठते हैं बिजली के तार पर चिड़ाई मतलब बर्ड्स, अगर उसके टेल अगर सट जाए उसमें तो करंट लग जाता है, बाद बाकी पैर में वे ऑयल ग्लैंड सब नहीं पाया जाता, इसलिए करंट नहीं लगता है। इन एम्फियोक्सस नोटोकॉर्ड इज रिस्ट्रिक्टेड इन, तो यहाँ पर थ्रू आउट द बॉडी वे पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सीधा होते हैं, मतलब इधर उधर घूम नहीं सकते। उसका थर्ड पेज में आ गए, तो यहाँ पर है कि इन एसिडियन इंडोस्टाइल सीक्रेट्स म्यूकस विच लाई, तो यहाँ पर बता रहा है डी यानी कि एट द मिड वेंट्रल फ्लोर ऑफ फेरिंग्स में ये होता है, हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन को आराम से ध्यान रखना है कि एसिडियन में जो इंडोस्टाइल होते हैं म्यूकस सिक्रेट करते हैं वे कहाँ पर लाई करते हैं, तो वे मिड वेंट्रल फ्लोर ऑफ फेरिंग्स के जगह पर वे लाइक करते हैं, वहीं पर इंडोस्टाइल सिक्रेट करता है म्यूकस को, मिड वेंट्रल फ्लोर ऑफ फेरिंग्स वाला जगह में। नंबर ऑफ ओरल सीरी ऑन ओरल हुड आर, तो ये 22 होते हैं, नंबर ऑफ ओरल सीरी, तो ओरल सीरी समझते हैं कि हुड में होता है वह 22 होते हैं। फिर है कि पोर्स ऑन द बॉडी ऑफ अ हैग फिश, हैग फिश सिक्रेट करता है कितना पोर बॉडी पर, मतलब वो जो होते स्लाइम पोर होते, किस तरीके के पोर, तो ये स्लाइम पोर होते एकदम स्लाइम पोर। उसके बाद है कैट फिश आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर, तो ए यानी कि हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग बारबेल्स जिस मतलब कॉन्टिन्यूस डोर्सल फिन कहते हैं, कैट फिश एकदम उसके चूहा जैसा दिखाई दे मतलब सॉरी कैट मतलब बिल्ली जैसा दिखाई देता है कंटिन्यूस डॉर्सल फिन के कारण, तो इसको कैटफिश कहते हैं, तो उसी से वे पहचान में आते हैं कंटिन्यूस डॉर्सल फिन के कारण। मॉडर्न लंग फिशेस आर फाउंड इन, अभी के जो लॉन्ग लंग फिशेस फी मतलब मछलियाँ होते हैं वे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं बहुत सारे फिश। फिर है कि वन ऑफ दीज इज अ लिम्बलेस लिजार्ड, किसमें लिम्ब नहीं होते हैं, तो ये अंगुइस, अंगुइस एक ऐसा रेप्टाइल मतलब लिजार्ड है जिसमें लिम्ब ही नहीं होते हैं।
पेक्टोरेलिस माइनर टेंडन पासेज थ्रू एन ओपनिंग बिफोर इंजर्सन द ओपनिंग इज नोन एज, यानी कि पेक्टोरेलिस माइनर टेंडन जो होता है वे थ्रू एन ओपनिंग यानी कि पासेज थ्रू एन ओपनिंग बिफोर इंजर्सन, तो इंजर्सन से पहले वे पेक्टोरेलिस माइनर टेंडन पास होता है तो उसी को हम फोरामेन ट्रायोसियम कहते हैं, ट्रायोसियम कहते हैं। तो सिंपल है, जब इसको आराम से ध्यान में पढ़ेंगे सब्जेक्टिव तो आसानी से ये याद भी हो जाएगा। एग लेइंग मैमल्स आर द नेटिव ऑफ, तो ये ऑस्ट्रेलियन रीजन के लिए वे मतलब उसका आदत लगा रहता है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन में ही जाना चाहता है, अंडा देने की कोशिश करता है ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही। फिर है कि लिजार्ड लाइक एम्फीबियंस आर इंक्लूड इन ऑर्डर, लिजार्ड जैसा एम्फीबियन कौन सा ऑर्डर में पाया जाता है, तो इसलिए ऑर्डर को भी ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें यूरोडेला जिसको कॉर्डाटा कहते हैं, कॉर्डाटा कॉर्डाटा नहीं कॉर्डाटा जिसको यूरोडेला कहते हैं, तो लिजार्ड लाइक एम्फीबिया इसी में पाया जाता है। एवियन आइज आर पेकुलियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब पक्षी के जैसा आँख होते हैं किसमें, तो ये पेक्टेन में होते हैं पक्षी के जैसा आँख। एग ऑफ हर्डमेनिया इज, तो एग ऑफ हर्डमेनिया बात करें तो ये माइक्रोलेसिथल होते हैं, माइक्रोलेसिथल बहुत सारे अलग अलग तरीके के सीथल होते हैं। एग्स के बारे में तो वो सब पढ़े होंगे, टेलोसिथल एलिसिथल मैक्रो माइक्रोसिथल ये सब समझ गए होंगे। ए होता है यानी कि एग ऑफ हर्डमेनिया देखें तो माइक्रोलेसिथल होते हैं। फ्रेश वाटर केलोरेस आर टर्म्ड एज, फ्रेश वाटर जो केलोरेस होते हैं इसको हम पॉन्ड टर्टल्स भी कहते हैं, यानी कि रेप्टाइल ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर केलोरस मतलब केलोरस कहते हैं। उसके बाद ऑर्गन ऑफ मूलर इज परजे प्लेस्ड इन, तो ओरल हुड में ये प्लेस्ड होते हैं ऑर्गन ऑफ मूलर। तो और अलग तरीके मतलब जैकॉब्सन्स ऑर्गन के भी देखे थे वो भी ध्यान रखना है, और ऑर्गन ऑफ मूलर को भी ध्यान रखना है। ऑल क्रोकोडाइल्स आर, हर क्रोकोडाइल जो होते हैं वो ओवोवी पेरस यानी कि पहले अंडा देते तब बाद में वही चलकर बच्चा बन जाता है। जैकॉब्सन्स ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन, तो लिजार्ड में सिर्फ नहीं पाया जाता है जैकॉब्सन्स ऑर्गन, नहीं तो स्नेक क्रोकोडाइल स्फिनिडॉन ये सब में जैकॉब्सन्स ऑर्गन पाया जाता है, तो ध्यान हमें रखना है ये सब क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ फेज की बात करें तो फोर्थ फेज में है कि काउंटर फीडर्स आर, तो ये किस में होते हैं, मतलब इसका जो वर्क होता है यानी कि फ्लाइट फीडर ऑफ विंग की तरह ये वर्क करते हैं। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो नियोटोनी, नियोटोनी कौन सा शो नहीं करता है, तो साइरेन जो मैमेलियन होते हैं वे नियोटोनी से मतलब नहीं शो करते हैं, नहीं तो हाइला नेक्टेरस एम्बिलिस्टोमा ये सब करते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका डी हो जाएगा वेंट्रल माउथ, द मतलब कार्टिलेजिनस फिश का जो खास होता है वेंट्रल माउथ होता है उसमें। जब आप देखेंगे फिश को देखिए तो ऑब्जर्व ही करने की कोशिश कीजिए तो हमें बहुत बातें ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि हमें अधिकतर बात पढ़ना है परम जिसको पीसेज एम्फीबिया रेप्टाइल एप्स एंड मैमल्स के बारे में पढ़ना है, तो ये सब ध्यान तुरंत ही आ जाएगा। तो यही है कि ऊपर देखे थे कि यहाँ पर कार्टिलेजिनियस जो फिश होता है उसका वेंट्रल माउथ ही उसका पहचान होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायफ्राम ऑफ मैमल्स में जो होते हैं वे क्या काम करते हैं, तो टू डिवाइड द बॉडी कैविटी इन टू कंपार्टमेंट, जो हमारे बॉडी कैविटी होते हैं देखते हैं ये डायफ्राम आप अपना देखे होंगे सब जानते हैं, तो ये एक तरीके से डिवाइड करता है बॉडी कैविटी को दो कंपार्टमेंट में, तो ये गजब है डायफ्राम का वर्क यही है मैमल्स में। व्हेल इज मैमल्स बिकॉज, व्हेल मैमल्स होते हैं इसका कारण ये है कि इट हैज डायफ्राम एंड हेयर, ये बात इसमें डायफ्राम और हेयर के कारण इसको हम गिनते हैं इसमें मैमल्स में, तो इस तरीके ध्यान रखना है डायफ्राम और हेयर प्रेजेंट होते हैं इसी के चलते हम मैमल्स मानते हैं व्हेल फिश को। एन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑन द टेल ऑफ
सोमबर्ट्स इज नोन एज, तो उसको हम पहले जान चुके हैं सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद फैंग्स आर, फैंग्स क्या है तो ए यानी कि प्री मैगजिलरी यानी कि टीथ होते हैं। अब फादर एम्फीबियन जिसको टेलिलेस टेकिंग चार्ज ऑफ द एग इज कॉल्ड, तो उसको हम मिडवाइफ डॉट कहते हैं जो कि टेलिलेस होते हैं। तो अब फादर एम्फीबियन यानी कि टेलिलेस टेकिंग चार्ज ऑफ द एग इज कॉल्ड मिडवाइफ डॉट। मॉडर्न लंग फिशेज आर फाउंड इन, तो मॉडर्न लंग फिशेज तो पहले देख चुके हैं, ये मतलब इसका आंसर फाइनल होना चाहिए मॉडर्न लंग फिश, इसका ए हो जाएगा। सी वाटर यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आंसर देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेश वाटर है, तो पहले जो पढ़े थे वही फ्रेश वाटर है, तो यही सब यहाँ पर हम लिखेंगे वहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लंग फिश आर फ्रेश वाटर यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्टिब्रेट बिलोंगिंग टू, तो बस यही है, लंग फिश आर फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से देख लिया, तो यहाँ पर आंसर ये दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा, ये मॉडर्न लंग फिश होता है वे फ्रेश वाटर में होते हैं बल्कि सी वाटर में नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्नाथन, कौन है तो सी इसका हैग फिश है जो कि शायद गनाथन में आता है, तो ये एग्नाथन हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्नाथन, तो जिसमें जौ नहीं पाए जाते इसीलिए उसको हम कहते हैं एग्नाथ, तो ये एग्नाथन हैग फिश होता है। इन एम्फियोक्सस रिस्पायरेशन इज थ्रू, तो ए यानी कि गिल बार्स के द्वारा एम्फियोक्सस रिस्पायरेशन करता है, उसमें गिल्स होते हैं निकले हुए उसी के द्वारा वे रिस्पायरेशन करते हैं। एग लेइंग मैमल्स आर द नेटिव ऑफ, तो ये तो बात देख ही चुके ऑस्ट्रेलियन रीजन में होते हैं। ऑल क्रोकोडाइल भी देख सकते हो वो भी पेरस होते हैं। फूटलेस बर्ड्स बिलोंग्स टू ऑर्डर, तो ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं तो बी अपोडिफॉर्मस में, फूटलेस बर्ड्स जो होते हैं एब्स ये अपोडिफॉर्म्स में आते हैं, ये ऑर्डर ऐसा है जिसमें फूटलेस बर्ड्स को रखा गया है। फिफ्थ फेज है कि व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन एम्फियोक्सस देख चुके हैं। फिर है कि इंटरनल ईयर ऑफ फिश एक्ट फोर, तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन की वर्क करता है फिशेस में। टेल्ड एम्फीबियंस बिलोंग्स टू, तो जिसमें टेल्ड हो ये यूरोडिलास में बिलोंग करता है, देख ही चुके हैं। मिडवाइफ टोट को हम एटलाइटस मतलब एलाइटस भी कहते हैं। फेमोरल ग्लैंड्स आर फाउंड इन, तो ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में फेमोरल ग्लैंड्स पाया जाता है रेप्टाइल एंड बर्ड्स में। एयर सैक्स ऑफ बर्ड्स, तो एयर सैक्स ऑफ बर्ड्स बात करें तो ये किसी में नहीं पाए जाते ना, मतलब कीप द बॉडी आर्म की वर्क करता है नहीं, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन करता है नहीं, कीप अप थ्रस्ट ऑफ बॉडी ये इसमें से कोई वर्क नहीं करता है। ओनली वन इज फंक्शनल इन बर्ड, तो ये बात जान ही चुके हैं, लेफ्ट ओवरी केवल काम करता है। सिंग सैक्रम जो होते हैं ये ऐसा हड्डी है यानी कि फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा जिसको कहते हैं, तो वर्टिब्रा दो फ्यूजन रहता है उसी को सिंग सैक्रम कहते हैं, पहले भी जान चुके हैं। फिर है कि मैमेलियन हार्ट इज मायोजेनिक होते हैं, टेल एंड फिन इज प्रजेंट इन, तो ये बी देख लिए यानी कि लार्वल स्टेज ऑफ हार्डमिनिया जिसको कहते हैं, टेल एंड टेल फिन इज प्रजेंट इन लार्वल स्टेज ऑफ हार्डमिनिया। नेसल अपर्चर इन पेट्रोमाइजोन इज, तो देख चुके केवल सिंगल होता है। पाइनियल ऑर्गन इज फाउंड इन, तो पाइनियल ऑर्गन जो होते हैं वह बोथ मिग्जाइन एंड पेट्रोमाइजोन में हमें देखने को मिलते हैं। और कार्टिलेजिनियस फिश वो तो देख ही चुके हैं कि वेंट्रल माउथ इसका कैरेक्टरिस्टिक है। फिर मिल्क ग्लैंड ऑफ यूथेरियंस आर मॉडिफाइड, तो इसका बी हो जाएगा यानी कि स्वीट ग्लैंड जिसको कहते हैं मिल्क ग्लैंड ऑफ यूथेरियन आर मॉडिफाइड, मिल्क ग्लैंड वही मॉडिफाइड हो जाता है स्वीट ग्लैंड में। आरबीसी मैमेलियंस आर, तो ये जानते हैं कि वे उसमें न्यूक्लियस नहीं होते यानी कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। द ग्रुप एमाइन मतलब एमनियोटा यानी कि एम्पिया इंक्लूड्स, तो ये ग्रुप जो है एमनियोटा या एम्पिया ये इसमें शामिल है, तो इसमें रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स तीनों को शामिल किया हुआ है, ये ऐसा ग्रुप है एमनियोटा जिसमें रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स को शामिल किया हुआ है, यानी कि एम इसका एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट अमोनिया होता होगा इसीलिए।
फिर भी विस्तार से आप जान ही चुके होंगे, क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो ये ध्यान रखना है मनियोटा में शामिल है रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी कि पहले वाला दोनों को छोड़कर पीसेज और एम्फीबिया जो है वो दोनों को छोड़कर एमनियोटा में तीनों शामिल है। नोटोकॉर्ड इज प्रजेंट इन, तो ऑल वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड प्रजेंट होता है, ऑल वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड प्रजेंट। तो टडिज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन बाय, तो ये हमें ऑल ऑफ द एबव में देखने को मिलता है डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, हर्डमेनिया में चाहे ब्लैनोग्लोसस में चाहे ब्रैंकियोस्टा में। पेट्रोमाइजोन इज, तो ये हम उसी समय से मतलब यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव है, नहीं ये मतलब एनाड्रोमस है, कैटाड्रोमस है, नहीं नोड्रोमस है, तो इसमें से कोई नहीं पेट्रोमाइजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वेन मतलब वेनोमस फिश, तो बी हो जाएगा सॉ फिश। और फिर है कि इक्थायोफिश इज अ, तो इक्थायोफिश बात करें तो लिमलेस एम्फीबियन होते हैं, इक्थायोफिश इज अ लिमलेस एम्फीबियंस। फायर सैलमंडर इज, तो डी हो जाएगा इसका एम्फी उमा, तो एम्फी न्यूरा जिसको कहते हैं एम्फी उमा कहते हैं, तो ये आपको डी फायर सैलमेंडर यहाँ पर होते हैं, ये होते हैं एम्फी उमा। फिर मॉनिटर लिजार्ड इज, तो ड्रैको जो होते हैं वह मॉनिटर लिजार्ड कहलाते हैं, मॉनिटर लिजार्ड इज ड्रैको। फिर है अनपेयर्ड एयर सैक इन बर्ड इज, तो इसका आंसर डी हो जाएगा इंटर यहाँ पर क्लेविकुलर, अनपेयर्ड एयर सैक इन बर्ड इज वह इंटर क्लेविकुलर होते हैं, तो डी ध्यान रखना है अनपेयर्ड एयर सैक होते हैं वह इंटर क्लेविकुलर होते हैं। मिल्क ग्लैंड ऑफ यूथेरियन आर मॉडिफाइड, ये तो देख ही चुके हैं स्वेट ग्लैंड में मॉडिफाइड होते हैं। स्वेट ग्लैंड इन मैमल्स आर मेनली कंसर्न्ड विद, तो ये जो होते हैं वे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग के द्वारा वे होते हैं, स्वेट ग्लैंड जो मैमल्स में होता है वह होते हैं तो बॉडी टेम्परेचर मतलब जैसे वे पसीना को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा बॉडी कूल हो जाते हैं, तो स्वेट ग्लैंड ऐसे ही वर्क करता है। लोकोमोशन इन कंगारू इज, तो ये कुरोसोरियल उस जो जिस तरीके से वे चलता है मतलब लंगड़ा लंगड़ा जैसा चलता है दूसरे, तो उस तरीके के चलना को हम कुरोसोरियल कहते हैं। पिजन प्रोड्यूस मिल्क फ्रॉम इट्स, तो ये क्रोप ग्लैंड्स के द्वारा ये मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं पिजन। प्रोथेरियंस आर एल्सो नोन एज, तो इसको मोनोट्रीमस कहते हैं। पेनिस इज बेफिंड इन, तो इसका हो जाएगा मार्सुपियल्स, तो ए हो जाएगा पेनिस इज बेफिंड इज तो मार्सुपियल्स। तो इस तरीके के हमने लगभग एक पेज की बात करें तो यहाँ पर लगभग 12-13 है, तो लगभग 6 पेज है, तो अगर 15 से बात करें तो 15 × 90 यानी कि 90-100 क्वेश्चन हमने आज कर लिया। तो इस तरीका से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं जूलॉजी ऑनर्स ही आपका है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जूलॉजी ऑनर्स से रिलेटेड हर कंटेंट इस पर मिल जाएगा आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।